हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 25 मई और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बिरला निवास, ये है मणिकर्णिका घाट और ये है रैम और ये है गेटवे ऑफ कॉरिडोर, ये है ललिता घाट। तो ये जो जितने भी पोर्शन हैं उधर जो कार्य चल रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और आपका भी एक कार्य बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। लाइक इसलिए कीजिएगा कि जो मेरी मेहनत है मुझे समझ में आया कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो के माध्यम से पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूं बिरला निवास और रैंप के बीचों बीच और यहां का पोर्शन दिखा रहा हूं। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब मैं दो दिन पहले आया था तो सिर्फ यहाँ तक छड़े आई थी और इसके नीचे छड़े गई थी, लेकिन ये जिस प्रकार से इसको बांधा गया है वो बांधा नहीं गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज पूरी तरीके से इसको बांध दिया गया है और पुर्जे आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप रैम का पोर्शन देख लीजिए, रैम के साइड में, उधर के साइड में देख सकता, दिखाता हूँ मैं आपको, उधर के साइड में देखिए पत्थरें लग चुकी हैं और इधर के साइड में पत्थरें अभी लगाई जा रही हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर के साइड में भी पत्थरें लगाई जाएंगी और दिखाते हैं कुछ आपको वीडियो के माध्यम से। जैसा कि फ्रेंड, जो सीवेज टंकी नया वाला बना हुआ है, जो पुराना सीवेज टंकी तोड़ के बनाया गया है, वो इसके पीछे, ये है बिरला निवास और बिरला निवास के जस्ट पीछे साइड में बनाया गया है। और जैसा कि मैं आपको ये बिरला निवास दिखा रहा हूँ, ये इसका उद्घाटन 2018 में किया गया है और इसको गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और नीचे साइड में जिस प्रकार से छड़े बिछी हुई है उसको आप देख सकते हैं और इधर रैंप के साइड में जो पत्थरें यहाँ पे पहले, मतलब जो ऊबड़ खाबड़ यहाँ दीवाले हैं, उन दीवालों को देखिए किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, वो भी कुछ आप नज़ारा देख सकते हैं और ये आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ जो छड़े लगाई गई हैं कुछ इसका नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आज लग रहा है पूरी तरीके से इसको ढालने का काम किया जाएगा। यहाँ पूरी तरीके से छड़ बिछा दिया गया है और मेरे ठीक सामने यहाँ मणिकर्णिका घाट है, इसका भी आप नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं मित्रों। और लग रहा है कि मित्रों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपका पहले कभी दिखाया था आपको, जो कि वॉल डाला गया था और ये वॉल जो था वो सीमेंट बालू गिट्टी का ही था। और इसमें अगर सोचते हैं कि ईंट यूज हुआ है तो रेयर केस में बस ईंट यूज हुआ है। और जैसा कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये बजरंग बली का मूर्ति है। और आगे से रैम के मैं दिखाता हूँ, वहाँ से आपका एग्जिट पोल है, मतलब जहाँ से आप रैम के नीचे से यहाँ से एंट्री लेंगे और वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ रैम के ठीक मैं बगल से खड़ा होकर के आपको दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा भी होगा, यहाँ पे जो इटालियन लाइट्स लगाई गई हैं एक लाइन में, एक सीरीज में लगाई गई हैं, तो इनकी भी एक खूबियत है, इनकी भी एक अलग क्वालिटी है। ये लाइट्स जो हैं वो इटालियन लाइट्स हैं और इसकी जो लंबाई है वो 75 फीट है और 25 मीटर है मित्रों। तो इस प्रकार से ये लाइट और भी बेहद खूबसूरत बनेगा जब इन पूरी लाइट को जलाया जाएगा। और इस पर देख सकते हैं कि अभी ट्रायल के तौर पर कुछ छोटे छोटे झंडे लगाए गए हैं और देखिए क्या होता है। और जैसा कि कल तक मैं आया था तो यहाँ पे कुछ वॉल नुमा स्ट्रक्चर बना दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने का पोर्शन देख सकते हैं, वो जहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं, इन मशीनों के द्वारा ही जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ वहाँ इन पाइपों को दौड़ाया गया है। और वो जो पाइप आपको दिख रहा है, वहाँ चार लोग खड़े हैं, जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ चार लोग खड़े हैं और जो पाइपों को जोड़ करके जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ वहाँ इसको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा, यहाँ जो छड़े लगी हुई हैं इन छड़ों पे भी ऐसा लगता है कुछ दिन में सिलाब पड़ जाएगा और ये भी जल्द से जल्द बन जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे से खड़ा होकर के पूरा आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा, यहाँ से कुछ अलग ही नज़ारा है, कुछ अद्भुत नज़ारा है। तो आइए चलेंगे नीचे और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सीवेज का पानी है यहाँ से कुछ उधर की साइड में जा रहा है। तो आइए चलते हैं उधर की तरफ और उधर का दृश्य आपको पूरा व्यू कैमरे के द्वारा दिखाते हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल पे नए हैं तो अपने मन से लाइक जरूर कर दीजिएगा
क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने से मुझे खुद भी समझ में आया कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आया हूँ मणिकर्णिका घाट के साइड में जो काम हो रहे हैं, सोचा कि एक बार उसको भी दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसा कि अभी मैं ठीक मणिकर्णिका घाट पे ही खड़ा हूँ और मणिकर्णिका घाट का जो कार्य हुआ है अभी चल रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और देखिए मॉर्निंग के 6 बजे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कल का जो ये पोर्शन है, कल ये पूरी तरीके से साफ किया गया। ये वाला पोर्शन पहले का ये बना हुआ था, लगभग कई महीने पहले का ये बन के तैयार हो चुका था, लेकिन ये जो मलवा है पूरा यहाँ लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन छुपा हुआ था। लेकिन अभी सारा मलवा हटा दिया गया है और अभी एकदम पूरा एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप रैम का नज़ारा भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसा कि दिखा रहा हूँ मैं आपको भी मणिकर्णिका घाट के जो सामने का कुछ बगल का दृश्य है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब पत्थरें लग रही थी तब से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ की आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत सारी फिर से पत्थरें ला कर रखी गई हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बालू का आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारे होते हैं जानवर, तो इनको प्यार दे, सम्मान दे और अपने बच्चों को सिखाएं कि इन जानवरों को भी मारा ना करें। और यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा नज़ारा सीढ़ियों का। देखिए जो सीढ़ियाँ इधर साइड, ये पोर्शन मणिकर्णिका घाट है, इधर की तो सीढ़ियाँ बनाई ही गई थी, लेकिन इधर की भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी और यहाँ पर भी बहुत सारे पत्थर ला के रखे गए हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियों का कुछ नज़ारा, यहाँ पर जो पतली पतली पत्थरें ला कर रखी गई हैं इन इस पर बिछाया जाएगा पूरी तरीके से। और यहाँ पर मॉर्निंग में किस प्रकार से लकड़ियों को उतारा जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और आगे का दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, जैसा भी लगेगा लाइक एंड कमेंट ठोकते रहिएगा। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि मैं बता ही रहा था कि ये जो मलबा है उसको किस प्रकार से हटाया गया है देख सकते हैं आप। यहाँ पूरा जो है कि मलबा को हटा करके ये किनारे कर दिया गया है। और अभी चलेंगे हम आगे की तरफ और उधर का भी दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो रैंप बन रहा है उसके बाहर का आप कुछ दृश्य देख सकते हैं। और मैं अभी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कुछ रीजन से इसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। यहाँ से कुछ नज़ारा तो ज़रूर ही दिखा सकता हूँ, मेरा आईफोन मोबाइल है। तो ये देख सकते हैं कुछ अंदर का भी जो कार्य चल रहा है वो अद्भुत है, खूबसूरत है और अच्छा है। और यहाँ से गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार का भी नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ इसके सामने साइड में भी पत्थरें लगाना बाकी है। इधर तो पत्थरें लगाई जा चुकी हैं लेकिन इधर की पत्थरें अभी लगाना बाकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप लगाया गया है और यहाँ का कुछ नज़ारा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ जितनी पत्थरें जो कुछ भी हैं सारा काटने का कार्य यहीं पर चल रहा है। और यहाँ से सामने का गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार का नज़ारा देख सकते हैं, अद्भुत सुंदर और आश्चर्य कर देने वाला ये नज़ारा है। जब ये कम्प्लीटली बन जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा और भी प्यारा लगेगा, जैसा कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो पानी है ये आप देख सकते हैं, ये पानी सारा का सारा सीवेज का पानी है। पंपिंग स्टेशन तो इसके बिरला निवास के पीछे बन चुका है लेकिन अभी कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पानी निकल रहा है। कल बोल तो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार का ठीक सामने और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बार बार मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो रैंप है, रैंप के साइड में जो यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत तगड़ी है। और ये लाइट ऐसी लाइट्स ऐसे सिंपल लाइट्स नहीं है, इन दीवारों पर इलेक्ट्रिक लाइट लगाए जाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब कहीं ना कहीं यहाँ पे पत्थरें लगनी प्रारंभ हो चुकी हैं। थोड़ा चलते हैं क्लोज में और वहाँ से नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको रैंप पे जो लाइट लग रही है किस प्रकार की, कितनी सुंदर लाइट है और उसकी क्या खूबियत है, वो सारा जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से चीज़ों को दिखाते हुए दूंगा। बस आप लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि जो बंधु मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स ये देखिए गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार है, यहाँ आप 360 डिग्री पर पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ये लाइट लगा रही आ रही है, इन लाइटों पे देख सकते हैं अंडरग्राउंड यहाँ पे जो है कि वायर्स बिछा दिया गया है। अब वायर्स बिछाने के बाद यहाँ पे पत्थरें लगनी भी प्रारंभ हो चुकी हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो काम है बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से, बहुत ही मजबूती तरीके से किया जा रहा है।
समझ लिए कि मैंने अपने जिंदगी में ऐसा काम कभी जिंदगी में नहीं देखा था, क्योंकि इतना स्ट्रांग तरीके से इसको बनाया जा रहा है, इसका जो लेयर है इतने मजबूती के साथ बनाया जा रहा है कि जिसको हम जितना एक्सप्लेन करें उतना कम पड़ेगा। और यहाँ से गंगा जी का दृश्य आप नज़ारा भी देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मन को मोहने वाला। और ऐसा सुनने में आ रहा है, भैया लोग कुछ लोग बताए थे हमें कि जैसा दादा सुमेध घाट पे आरती नुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी प्रकार से इन घाटों पे भी आरती नुमा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जैसा कि आप नीचे पोर्शन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट्स लगाई गई हैं, यहाँ और यहाँ यहाँ कुछ लाइट्स लगाई गई हैं, जो कि बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगेगा जब पूरी तरीके से ये रैम बन जाएगा। आप खुद भी एक बार दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जब ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से बन जाएगा और उस पर लाइट जलेंगी, पूरी लाइट जलेंगी, तो कैसा ये नज़ारा लगेगा। और जैसा कि आप सामने का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पूरा जो कुछ भी जहाँ से मलवा निकला हुआ था अभी उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, और बाद में सबका सब हटा दिया जाएगा और जो मॉडल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा द्वार का वो बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और कुछ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ भाई बंधु वर्करों से बात होता है तो वो बतलाते हैं कि जो यहाँ पत्थरें रखी हुई हैं वो अहमदाबाद से आई हुई हैं या फिर चुनार की ये पत्थरें हैं। ऐसा कुछ मैं यूट्यूबरों के थ्रू भी सुनता हूँ और कुछ भाई बंधु से भी बात हो जाती है। और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक लाइट पोल का दृश्य आप देख सकते हैं, जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आगे जा करके पूरा नज़ारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब बताने वाला हूँ कि कौन सी पत्थरें कहाँ पे लगने वाली है, उसकी क्या पहचान है। तो आइए बैक कैमरा से फ्रंट के माध्यम से आपको दिखलाता हूँ और बतलाता हूँ। बस काम आपका ये है कि लास्ट तक बन के वीडियो को देखिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ जो पत्थरें रखी हुई हैं, ये देखिए जो यहाँ पे हल्का हल्का काटा गया है, तो इन पत्थरों का ही यूज किया जाएगा। अंदर कहाँ, अंदर नहीं, ये देखिए पत्थरें आपको जो दिख रही हैं ना, ये कटी कटी हुई पत्थरें जो आपको दिखलाई दे रही हैं, ये सारी की सारी पत्थरें ही यूज होंगी इन दीवालों पे। और ऊपर साइड में दीवालों पे पत्थरें लगनी प्रारंभ भी हो चुकी हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे का दृश्य और आगे का नज़ारा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि ये आप लाइन में देख रहे हैं एक सीरीज में, यहाँ पे ये तो पत्थर हो गई, लेकिन ये जो है वो ग्रेनाइट वाली पत्थरें हैं जो कि बिछाई जाती हैं, लगाई जाती हैं दीवालों पे। हेलो फ्रेंड्स, तो रैम के सामने जो कल का कार्य हुआ है उसको दिखाता हूँ मैं, वो दिखलाने का प्रयास अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं रैम के अभी एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ, ये आपको रैम्प दिखलाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो इसके नीचे साइड में यहाँ पे जो पोर्शन है उसका जो नज़ारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कल का ये कटाई हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या है, लगता है हमको यहाँ पे जो मतलब सीढ़ी बनाया जाएगा, जैसे इस प्रकार से मेल मेदम एक है एकाएक, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाने के लिए इस प्रकार की सी कटाई हो रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं छड़ों को कितनी स्ट्रांगली तरीके से बिछाया गया है, लगाया गया है पहले टाइम में भी। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और जो कुछ भी दृश्य है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ये फ्रेंड्स रैम के अंदर का नज़ारा है, ये आप रैम के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ रैम के अंदर का नज़ारा, तो आप इसको देख सकते हैं कितना अद्भुत है और कितना आश्चर्य कर देने वाला नज़ारा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बनाया जा रहा है, जिसको जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है। और आप वीडियो के माध्यम से समझ भी पा रहे होंगे, अंदर कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए और बाहर से मैं ही आपको अपडेट दे देता हूं। तो अभी ऊपर देखिए, ये नीचे बन चुका है, ऊपर इधर बन चुका है, अब देखिए ऊपर बटरी बल्ला लगा दिया गया, मतलब ऊपर ढलाई होगी। तो कल था 24 मई, आज है 25 मई। तो 25 मई में और 24 मई में कार्यों में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेज हुए हैं, उनको वीडियो के माध्यम से बैक कैमरा से दिखाते हैं। सो स्किप मत कीजिएगा, तो आइए चलते हैं दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कल तक जब मैं आया था यहाँ पे, तो यहाँ ये तो सीढ़ियाँ कंप्लीट थी, लेकिन इधर की सीढ़ियाँ कल इधर खोली गई थी और यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट पे जो कुछ भी ये वाला पोर्शन यहाँ पे था, मतलब मलबा जो यहाँ पे था उसको हटा करके इधर कर दिया गया है। और यहाँ पे अब पत्थरें लगनी प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और ऊपर जा करके सारा ऊपर का ये सब एक बार नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से। आपका काम सिर्फ इतना है कि स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। और पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर
कर दीजिएगा और इच्छा हो तब। हेलो फ्रेंड्स, तो कल जब मैं आया था तो इधर साइड में गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार के ठीक सामने इधर ये मतलब एकदम प्लेन ये हो गया है और यहाँ का लग रहा है कल छड़े इधर रखी थी ना भैया, कल छड़े यहीं रखी गई थी ना, कल छड़े यहाँ पे थी और उसको उधर कर दिया गया, वैसा क्यों किया गया है वो कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा। और ये सामने का आप दृश्य देख सकते हैं, गेटवे ऑफ कॉरिडोर मणिकर्णिका घाट के सामने का दृश्य, जैसा कि यहाँ बहुत सारी नाव लगी हुई हैं घाटों के किनारे और बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा है ये पूरा आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और यहाँ जो भगवा झंडा लगाया गया है ये इस इन पोलों पे, तो ये ट्रायल के तौर पे लगाया गया है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और जो कार्य हो रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से अपडेट देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मित्रों स्टार्टिंग से ही ये मशीनें जो आपको दिख रही हैं टाटा हिटैची की मशीनें, इन मशीनों के द्वारा जितना भी कॉरिडोर का कार्य हुआ है इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी मशीनें अगर ना हो तो हम लोग को जाना पड़ेगा कई साल पहले, जब सिर्फ इंसान कई कार्य को करने बहुत समय ले लेते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छड़े हैं ये कल की छड़े आई हुई हैं, कुछ नई छड़े इधर हैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए मोटी है, मेडल वाली छड़े हैं और ये सबसे मोटी मोटी छड़े हैं और यहाँ पे पतला सरिया यहाँ पे रखा गया है। तो आइए चलेंगे अब उधर की तरफ और उधर जा करके जो कुछ भी कार्य का अपडेट है वो देने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वहाँ एक मशीन खड़ी है जो कि अपना कार्य करने के लिए निकल पड़ी है अपने रास्ते पर और आपको दिखलाई दे रहा होगा किस प्रकार, देखिए वो जाएगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सोचिए इतनी बड़ी मशीन है, इसका भी नज़ारा अपना एक अद्भुत है और देखिए वो किस प्रकार से नीचे आती है, उसको किस प्रकार से इधर लाया जाता है। तो आइए चलते हैं ललिता घाट की तरफ और उधर का नज़ारा दिखा। तो मित्रों अब देने वाला हूँ अपडेट आपको ललिता घाट का, जो ललिता घाट के साइड में जो कार्य हुए हैं उधर काम कहाँ तक पहुँचा और क्या अपडेट है। सो चलते हैं और दिखाते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, देखते रहें और जैसा भी पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। मित्रों अभी देखिए मैं ललिता घाट के एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ, ये ललिता घाट यहाँ पे है और ये गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार, तो इसके मैं अभी ठीक सामने हूँ। इधर साइड में आप देख सकते हैं कि जो पानी का जल का स्तर है वो पहले की तुलना में वो काफ़ी नीचे जा चुका है और यहाँ पे अभी जो पानी का स्तर वो आप वीडियो के माध्यम से नीचे साइड में देख सकते हैं। और यहाँ पे अब लोग जो है कि नौकाओं द्वारा भी मतलब घाटों से यहाँ इस घाट पे भी आ सकते हैं और इस घाट का भी आनंद ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, जो और कार्य हैं उनको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। और मित्रों देखिए ये जो पतली पतली पत्थरें लग रहा है नई आई हैं, ये पत्थरें कल तक नहीं थी, ये पत्थरें सारी की सारी नई हैं और ये पतली पतली पत्थरें हैं तो इसको एक इंसान उठा सकता है, लेकिन जो उधर साइड में बड़ी बड़ी पत्थरें रखी हुई हैं उधर साइड में उन पत्थरों को एक इंसान नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी जो वेट है वो लगभग 80 से 100 किलो के लगभग होगा, जिसको उठा पाना एक इंसान के बस की बात नहीं क्योंकि एक पत्थर की कॉस्ट भी काफ़ी अधिक होगी और वो गिरने के बाद सीधे टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो अब आ गया हूँ मैं पशुपतिनाथ जी महाराज के एकदम ठीक सामने पोर्शन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पशुपतिनाथ जी महाराज का टेंपल है और उनके ठीक सामने जो कार्य हो रहे हैं उसको भी तो दिखाना मेरा फर्ज बनता है ना। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं पूरा। जैसा कि आप इधर साइड में देख सकते हैं ये जो है ये पशुपतिनाथ जी महाराज का टेंपल है और ऐसा सुनने में आया था कि इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और जो कुछ भी अपडेट होगा तो पता चलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा ही। लेकिन जैसा कि आप नीचे साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जब इस प्लेस को बनाया गया होगा ये छड़े आप देख सकते हैं कितना मजबूती से यहाँ पे छड़े निकाली गई हैं और इसको तोड़ा क्यों जा रहा है पता है आपको, इसको तोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से इन घाटों के किनारे पत्थरें लगाई गई हैं और देखिए यहाँ सामने साइड में पत्थरें अभी लगाने बाकी हैं तो उसी प्रकार से यहाँ भी पत्थरें लगाई जाएंगी। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उधर का भी एक बार आपको नज़ारा दिखाते हैं।
जैसा कि मित्रों ये मशीन जो आपको दिख रहा है, इस मशीन का नाम तो मुझे नहीं पता, बट अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और इस मशीन का कार्य है जो घाटों के किनारे नाव के द्वारा जो पत्थरें लाई जा रही हैं उन पत्थरों को जगह जगह पहुंचाना। जैसा कि आपको दिख रहा है ये पत्थर की पेटियां हैं, ये पत्थरों की पेटियां हैं जो इंसानों के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने में काफ़ी समस्याएं होंगी, जिसकी वजह से ये मशीन लाया गया है और इन मशीनों के द्वारा जगह जगह पे ट्रांसफ़र करने का ये कार्य कर रहा है। देखिए हमारे ही ये लग रहा है कहाँ से ये लोग हैं, ये इंडिया के किसी एक प्लेस से है हमको जहाँ तक लग रहा है, मद्रास के लोग हैं शायद। मद्रास में भी एक समय में घूमने जाऊँगा। तो फ्रेंड्स चलेंगे ललिता घाट की तरफ, और ललिता घाट के जो नज़ारे हैं वो जो कार्य हुए हैं 24 मई को और आज आया हूँ 25 मई को, तो आपको वो वीडियो के माध्यम से वो सारा दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पत्थरें यहाँ पे भी इस सारी जगह पत्थरें बिछ चुकी है, सिर्फ बाकी रह गया तो ये पोर्शन मतलब कि यहाँ पे आपका जो जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे, सिर्फ इसके इधर वाले पोर्शन पे मतलब पत्थरें लगानी बाकी रह गई है और सारा पत्थर लग चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आगे का दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और जगह जगह पे कुछ इस प्रकार की लगाई गई हैं डस्टबिन, जिसके द्वारा लोग जो है कि इसका यूज करें, और यूज करने का मतलब ये नहीं कि बगल में ही फेंक दें, इसमें ही डाले, इसमें सूखा और गीला कचरा लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार है, तो कल तक जब आया था तो यहाँ पे आधा अधूरा मतलब कि पोर्शन पे बिछ चुका था, सिलाब पड़ चुका था, लेकिन आज क्या है कि पूरी तरीके से सिलाब यहाँ पे पड़ने वाला है, क्योंकि बस थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी रह गया है और सारे पोर्शन पे सिलाब पड़ चुका है। और ललिता घाट आप यहाँ से देख सकते हैं, और ललिता घाट यहाँ से आप राजराजेश्वरी मंदिर इधर साइड में जा सकते हैं, और इधर से एक रास्ता निकला हुआ उधर चले जाएंगे नेपाली टेम्पल पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का कुछ जो कल कार्य हुआ है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं।